अब मैं पूछ रहा हूँ मोदी जी कितने बड़े हैं, कि देश की जनता को जानना बहुत जरूरी है, बताइए। मतलब भाजपा झूठ बोल रही है, दलाली मत करिए, भाजपा नहीं बोल रही है, आपने बोला है, भाजपा नहीं बोला है, आप बोले हो। भाई देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप जैसे पत्रकारों की तीन दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, आप लोग वास्तविकता पे कितने बड़े हैं आप बताइए। नहीं भाजपा, भाजपा नहीं करिए, आपने बोला, आपने हवाला नहीं दिया है, आपने हवाला नहीं दिया, आपने कहा मोदी जी बड़े हैं, कितने बड़े हैं भाई बताइए। सिंहासन पे बैठ जाने से कोई बड़ा नहीं होता, उसके कर्म बड़े होने चाहिए, उसके कार्य बड़े होने चाहिए। मोदी जी के कर्म कैसे हैं? कर्म कैसे हैं आपको नहीं पता है? कैसे कर्म है आपको नहीं पता है? एक चीज बताइए, नमामि गंगे, गंगा मैया का मैं पुत्र हूँ, और गंगा साफ करने के लिए पैसा ले लिया, और बता दो आप कितना, यहाँ से प्रयागराज ज्यादा दूर नहीं है, कितनी गंगा साफ हुई बताओ, बोलो। स्वच्छता की बात तो करते थे, अभी अभी आज कल था एक तारीख स्वच्छता अभियान के लिए उन्होंने शुरू काम किया। स्वच्छता अभियान ये करते हैं, ठीक है, अरे झाड़ू लगा रहे हैं आप देख रहे हैं, झाड़ू लगाने से काम नहीं होता है, झाड़ू गरीबी पे लगाइए, झाड़ू महंगाई पर लगाइए, झाड़ू लगाना है तो भ्रष्टाचार पे लगाइए, झाड़ू किस पे लगा रहे हैं, गरीबों पे, गरीबों को ही साफ कर देंगे। आपने भी G20 में जल्दी में ही देखा होगा कि पर्दा लगा दिया, ए मोदी जी, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। पर्दा लगाने से आप जानते हो ना कि चमक धमक दिखाने से काम हो जाता है, नहीं, नींव कितनी मजबूत है ये मायने रखता है। गरीबी में देश बढ़ता जा रहा है, इसलिए मोदी का कद बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी में देश बढ़ता जा रहा है। CMI की रिपोर्ट कहती है कि 43 करोड़ से ज्यादा रोजगार 2014 से पहले लोगों के पास में था, आज 41 करोड़ से लोगों के पास कम है रोजगार। अब बताइए मोदी जी कितने बड़े हो गए भाई, जब मोदी जी कुछ नहीं करते फिर भी सत्ता में कैसे आ जा रहे हैं? ये अहंकार है, ये आपकी भाषा नहीं सबित पात्रा की भाषा है, ये अहंकार है, अहंकार रावण का टूटा था तो भारतीय जनता पार्टी का टूटने में समय लगने वाला नहीं है। क्या लग 24 में टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, मैं लिख के दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 या 5 सीटों में पूरी भाजपा मंडल लुप्त हो जाएगा। मोदी जी से पूछो, मोदी जी कौन? मैं खामा खा। भाइयों बहनों मित्रों, अब देश की जनता समझ गई है। वो आप KBC देखे हो कभी? KBC लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, बाकी पार्टी में जातिवाद होता था। जातिवाद पे आपने बात की, जातिवाद क्या प्रधानमंत्री जी के अंदर नहीं है? किसी एक विशेष व्यक्ति को बढ़ाया जा रहा है, किसी एक विशेष को बढ़ाया जा रहा है और किसी एक विशेष को दबाया जा रहा है, ये जातिवाद नहीं है? जातिवाद पे जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करवा सकती है? करवाइए ना जातीय जनगणना, कोई करवाने को तैयार नहीं है। बताइए जातीय जनगणना कब होगी महाराज, बताओ। 15 अगस्त तो मोदी जी बोले हैं कि जो है झंडारोहण के समय, क्या बोले हैं, 24 में फिर से लहराएंगे। भैया देखो, तिरंगा हमारा जब से देश आजाद हुआ है तब से लहरा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के बाप में भी हिम्मत नहीं है जो हमारे तिरंगे को कोई रोक सके। संघी, संघी मैं फिर कहता हूँ कि RSS के कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराएगा। ये तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगे को कौन भाई लहराने से रोक सकता है? उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। देश से भैया गद्दारी नहीं होनी चाहिए, तिरंगा को कौन रोक देगा भाई? सब मोदी देश लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, बिल्कुल लूट डालो, फूट डालो। ऊपर बैठा है 2 साथी, मोदी जी भी ऊपर बैठ जाते हैं, क्या किया जाए? वो कहते हैं हम फूट डालेंगे। अडानी पूछता है फूट कैसे डालोगे? कहेंगे हम हिंदू मुसलमान कर देंगे। अब वो लूट डालता है, देश की तमामों संपत्ति को लूटने का अगर किसी ने काम किया है तो अडानी और अंबानी ने किया, और किसके संरक्षण में किया है? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में। झूठ का अड्डा JP नड्डा बोलने को तैयार नहीं। मोदी कहता है कि मतलब मुसलमान थे इस समय, इतना रहा था कांग्रेस के समय में, अब मोदी सरकार में हिंदू जो है खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में है भारतीय जनता पार्टी, मंदिर भी बना रही है, एक चीज बगल में ही आपके है, मंदिर मस्जिद बनाए न बिगड़े सोन चिरैया बनी रहे, और देश का जनता भाड़ में जाए अपन कुर्सी बची रहे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। आप राम मंदिर पे आपने सवाल किया, मैं राम मंदिर का समर्थन करता हूँ, लेकिन राम मंदिर बनाने का काम किसने किया ये बताइए? नहीं, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर लेकिन वो तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में उस सरकार में क्यों फैसला नहीं आया? एक चीज बताइए, 3 बजे सूर्यास्त, मान लो 6 बजे सूर्यास्त होता है और किसी दिन 3 बजे हो जाएगा तो सबको तकलीफ होगी या नहीं होगी बताओ भैया? नहीं, तकलीफ होगी, होगी ना, तमाम जीव जंतु को, चिड़िया को, आदमियों को, सबको होगा तकलीफ। अब अगर समय से पहले उस कोर्ट उसका राम मंदिर का फैसला आ जाता तो लोगों को तकलीफ होता, मतलब समय, समय बिल्कुल समय पे, हर चीज समय पर होता है। 9 महीने से पहले बच्चे नहीं पैदा होते हैं, अगर होते हैं तो कोई ना कोई कुपोषण के शिकार हो जाएंगे या फिर भगवान को, मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार हर चीज का एक निश्चित समय होता है, और प्रधानमंत्री जी का भी निश्चित समय आ गया।
अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला। लेकिन नहीं, पठान वाली कौन सी भाषा हो गई भाई? बांधेंगे ही कुर्सी नहीं, अपनी उंगली का सही प्रयोग नहीं करोगे तो आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। अरे अमित शाह कहते हैं 50 साल के लिए भी सोचना बंद कर दीजिए सर। संविधान पढ़े हो? संविधान इजाजत देता है 5 साल के लिए प्रधानमंत्री, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री, ठीक। लेकिन वो अगले 50 साल की बात करते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, पहले आप सुनिए। संविधान को बदलने के लिए सबसे ज्यादा रणनीति कौन बनाता है? भारतीय जनता पार्टी। हाँ, संविधान को बदलने के लिए मैं एक चीज जानता हूँ कि संविधान के एक पेज को जिस दिन इन्होंने बदला तो देश के SC ST OBC बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और फूले पेरियार की औलादे अभी जिंदा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का भूगोल बदल देंगे। मोदी जी से आप इतनी दिक्कत क्या है? आप नहीं, मोदी जी का आपको कुछ अच्छा कार्य दिखता है कि नहीं दिखता है? मोदी का अच्छा कार्य गिनवा भाई, मुझे पता ही नहीं है मोदी का अच्छा कार्य गिनो। मोदी जी में कुछ कार्यकाल में काम नहीं हुआ? नहीं बताओ ना, बताओगे तभी तो। मोदी जब गिनाते हैं सबका साथ सबका विकास, अब आपने सबका साथ और सबके विकास की बात की। अडानी के कितने हाथ हैं? दो हाथ। अंबानी के दो हाथ। अनुराग ओझा के कितने हाथ? दो हाथ। दो हाथ। वो 609 नंबरी से 2 नंबरी बन गया और अनुराग ओझा दाल चावल रोटी सब्जी खाता था, दाल रोटी पैर गया। इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी। 400 वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए में पहुंच गया, इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी। 55 वाला डीजल पेट्रोल आज 100 रुपए पार हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी है। आपने 200 रुपए कम की बात की, सुभाष चंद्रा जो उनके मित्र हैं, 5000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया गया, बताइए क्यों? बोलो साहब, बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर बोल दोगे तो शाम को IT सेल वाले खाते में 5000 नहीं लगाएंगे। अब आप बात करिए महंगाई की, महंगाई चरम पे जा रही है, बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे युवा आत्महत्या करने पर मजबूर है, किसान आत्महत्या, 3 किसान आत्महत्या डेली कर रहा है, हम नहीं कहते हैं, केंद्र की रिपोर्ट कहती है। अब आप बताइए कि यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर नोचने का कोई काम करता है तो भारतीय जनता। भैया मोदी जी कहते हैं देश विदेश डंका बज रहा है, इकोनॉमिक सम्मेलन, हाँ, देश विदेश के लोग यहाँ पर आए, विश्व गुरु बनने जा रहा है देश, आप मोदी जी कितनी बुराई कर रहे हैं। इससे पहले भी गुट निरपेक्ष आंदोलन हुए हैं और इससे ज्यादा देश आए हैं। 900 करोड़ रुपए का खर्चा था है? और प्रधानमंत्री जी ने 4100 करोड़ खर्चा कर दिया। पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारा पैसा जेब कटेगी। आपके जेब में 5000 रुपया है, मैंने निकाल लिया और फिर 200 रुपया आपके जेब में डाल दिया, तो घाटा किसका है आप पहले बताइए? अगर आप समझदार पत्रकार होंगे तो आप इसका जवाब देंगे। 5000 आपकी जेब में है, मैंने उसे निकाल लिया, फिर आपके जेब में 200 रुपए डाल दिया, घाटा किसका? मैं पूछ रहा हूँ घाटा किसका? मोदी जी देश को लूट रहे हैं, आपको नहीं लगता है? खाइए भारत माता की कसम की नहीं लूट रहे हैं, खाइए भारत माता की कसम। नहीं, तो मोदी जी बताएंगे ना? मोदी जी नहीं, आपके हाथ पैर कांपने लगे। नहीं, हमारे क्यों कांपेंगे? आप बताइए, बोलिए, पत्रकार का क्या मतलब होता है? पत्रकार बनना है तो रवीश कुमार की तरह बनो, क्या बोले? पत्रकार ही बनना है तो अजीत अंजुम की तरह बनो, अगर पत्रकार ही बनना है तो अभिषार शर्मा की तरह बनो, सवाल पूछो और दलाली मत करो। यहाँ पे मोदी जी इंटरव्यू ही नहीं देते, सवाल कहाँ पूछेंगे? मोदी जी का नेता देता होगा, उनके कार्यकर्ता देते होंगे। तुमसे कभी आपने सवाल पूछा है महंगाई पर? महंगाई पर आपने कितना सवाल पूछा है बताइए, बोलो साहब। महंगाई पर तो मोदी बोलेंगे नहीं, तो सवाल कहाँ पूछेंगे? आप मानते हो कि मोदी महंगाई पर नहीं बोलेंगे? तो अगर आपने मान लिया तो देश की जनता ने ठान लिया है 24 मई इनको हटाना है। हम मोदी हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए इन्होंने अत्याचार, सब चीज पे टैक्स लगा दिया, दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लग गया था, लगा दिया है। एक नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया, और आज हर चीज पे टैक्स लग रहा है, लोग बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को अब कुछ लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद और मोतियाबिंद में बहुत फर्क है। मोतियाबिंद जिन जिनको हो गया है ना, उनसे पूछोगे भैया महंगाई है महंगाई नहीं, कच्चा फटा है, रोड टूटी हुई है, बाप राशन की कतार में खड़ा है, माँ 500 रुपए के लिए बैंक की कतार में खड़ी है, फिर भी वो लिखता है मैं भी चौकीदार। देश का दुर्भाग्य है, जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक ये संघरेज देश को लूटते रहे। तो तमाम होल्डिंग जो लगाती है सरकार की, पाई पाई में गरीबों की भलाई, किसानों के लिए जो है सरकार खुशहाल काम कर रही है भाई, दिखाओ ना जमीनी स्तर पे। आप लोग पत्रकार हो, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए कि कितना हुआ है। पाई पाई से अंडानी और अंबानी की भरपाई की जा रही है, अडानी और अंबानी को कैसे और ऊपर किया जाए, इस पे विचार विमर्श किया जाता है। मतलब मोदी की सरकार अडानी और अंबानी के लिए, देश के लिए नहीं। और क्या, डबल इंजन की सरकार, 4 लोगों का व्यापार, 2 खरीदेगा 2 बेचेगा, अडानी अंबानी और 2। मोदी अमित शाह, हम डरते नहीं है आपकी तरह, नाम लेते हैं, और डरता हुआ है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे तो हम अंग्रेजों से लड़ना जानते हैं। आपकी हड्डियों में खून है? हड्डियों में खून है, कैल्शियम है, सब कुछ है भाई।
तो 24 में मोदी सरकार गई। बिल्कुल गई, आपने भी कह दिया तो गई। बोरी बिस्तरा बांध लो, कहना मेरा मान लो, बोरी बिस्तरा बांध लो। मोदी जी भाई, हम मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं। मोदी जी आई लव यू। देख सकती है अभी हमारे साथ मौजूद थे अनुभव जी, उनसे बातचीत की 2024 चुनाव में क्या लोगों के मुद्दे रहेंगे और अनुराग ऊर्जा के क्या विचार थे। धन्यवाद।